जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। आज मैं आपसे एक अपील करने जा रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ और एक बार फिर तमाम तथ्यों के साथ, हमारे न्यूज चैनल्स को बॉयकॉट कीजिए। क्योंकि अगर इस देश में सही मायने में कोई गद्दारी कर रहा है, देश के हितों के खिलाफ काम कर रहा है, तो वो हमारे न्यूज चैनल्स हैं। और आज मैं एक कदम आगे बढ़कर ये कहूंगा दोस्तों कि हमारे विपक्ष को भी न्यूज चैनल्स बॉयकॉट करना चाहिए। न्यूज चैनल्स के तमाम डिबेट्स में अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दीजिए। आज ये अपील मैं आपके सामने करने जा रहा हूं और आज तमाम तथ्यों के साथ मैं अपनी इस बात को प्रमाणित करने जा रहा हूं दोस्तों। आप देख रहे हैं बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। सवाल नंबर एक जो मीडिया को पूछना चाहिए था, मगर 14 फरवरी को पुलवामा की वो शहादत हुई थी और अब तक किसी न्यूज चैनल ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया। और वो सवाल आपके सामने ये है कि आखिर 300 से 350 किलोग्राम लेकर वो आतंकवादी हमारे सैनिकों के पास पहुंचा कैसे? दोस्तों देखिए, सवाल जो है ना, जब तक मीडिया सवाल नहीं करेगा सरकार पर कोई दबाव नहीं आएगा। इस सवाल का जवाब सरकार अपने वक्त के साथ देगी, मगर मीडिया को यह सवाल रोज करना चाहिए क्योंकि मामला हमारे वीरों का, हमारे सैनिकों की शहादत का मुद्दा है। टीवी में मोदी मोदी करना, उनके नाम पर उन्माद करना तो बहुत आसान है दोस्तों, मगर अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आखिर वो आतंकवादी पहुंचा कैसे, क्योंकि जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये पता लगा सकती हैं कि बालाकोट में हमारी एयर स्ट्राइक से पहले 300 मोबाइल फोन्स एक्टिव थे, तो सवाल यहां पर ये दोस्तों कि वो 300 से 350 किलोग्राम लेकर वो आतंकवादी पहुंचा कैसे? मुद्दा नंबर दो जो हमारे न्यूज चैनल्स अब भी नहीं उठा रहे हैं, यहां पर सवाल यह कि यह एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। हमले से एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले हमारे सेना प्रमुख बिपिन रावत ने संसद में पत्रकारों के सामने कहा था कि हम जानते हैं कि एक बड़े आतंकवादी हमले को लेकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, मगर हम तैयार हैं। याद है आपको उनका वो बयान? चुनाव से पहले क्या इस तरीके से वो बड़ी कोशिश कर रहा है, इंटेलिजेंस इनपुट इस तरीके के हैं? मगर अब तक मीडिया में किसी ने कोई सवाल नहीं किया है सरकार से। इस लेटर को देखिए दोस्तों, यह चेतावनी दी गई थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से सीआरपीएफ को कि एक आईईडी धमाका हो सकता है, मगर बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ, इसकी कुछ भी सुध नहीं ली गई। आखिर न्यूज चैनल्स ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं कि बख्तरबंद गाड़ियों में उन सैनिकों को जाना चाहिए था मगर उन्हें आम बसेस में भेजा गया? आखिर न्यूज चैनल्स ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? जब मैंने अपने कार्यक्रमों में यह सवाल उठाया था कि चाहे सीआरपीएफ हो चाहे बीएसएफ हो, उन्होंने सरकार से कहा था कि खराब मौसम की वजह से आप हमें एयरलिफ्ट कराइए, यह मुद्दा मैंने अपने कार्यक्रम में उठाया था दोस्तों। मगर जब हमला हो जाता है, जब शहादत हो जाती है, उसके बाद सरकार यह फैसला करती है कि अब हमारे जवानों को एयरलिफ्ट कराया जाएगा। क्या इसको लेके मीडिया चैनल्स को सवाल नहीं करना चाहिए? और मीडिया चैनल्स जब ये सवाल नहीं करते हैं तो इसे गद्दारी क्यों ना माना जाए? दोस्तों इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी खुलेआम इस मुद्दे पर सियासत कर रही है। अमित शाह का यह साउंड बाइट सुनिए। हमले के अगले ही दिन वो इस मुद्दे को अपनी उपलब्धि बता रहे थे, सुनिए। सीआरपीएफ के 45 जवानों का जिसमें मृत्यु हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाने वाला, क्योंकि इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इस बार केंद्र में आपकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। क्या इस मुद्दे पर किसी ने सवाल किया? या फिर आपने इस तस्वीर पर, जिसमें शुरू में प्रधानमंत्री अपनी रैली में जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तो रैली में जिस मंच पे वो खड़े थे उसके पीछे हमारे शहादत, जो हमारे शहीदों की तस्वीर थी, क्या इसको लेकर लोगों ने सवाल किए? नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी खुलेआम जश्न मना रही है एयर स्ट्राइक्स को लेकर,
जबकि पुलवामा के अगले ही दिन हमारे 4 सैनिक मारे गए, जिसमें एक मेजर शामिल था। उसके कुछ दिनों बाद हमारे 6 और सैनिक, हमारे 6 और सुरक्षाकर्मी मारे गए। यानी कि शहीदों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। और सवाल ये कि किस बात का जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है? क्या न्यूज चैनल्स ने इस मुद्दे को लेकर सवाल किया, नहीं किया? सबसे दुख की बात यह है कि जो संवाददाता डिफेंस कवर करते हैं न्यूज चैनल्स में, यह काम उनका था कि इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर आपके सामने वो तर्क लेकर आए, तथ्य लेकर आए, मगर यह भी मोदी 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 करते रहे, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आज मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, इस देश में बड़ा क्या है, हमारा सैनिक, उसकी शहादत या कोई राजनेता? बताइए दोस्तों। लगातार जिस तरह का जहर इन न्यूज चैनल्स के जरिए परोसा जा रहा है, उस जहर का ही नतीजा है कि लखनऊ में इस तरह से, इस बेरहमी से इस कश्मीर को मारा जाता है। क्योंकि पुलवामा से पहले ही कश्मीरियों को खलनायक बनाने का एक कार्यक्रम चला आ रहा था। पत्थरबाजों और आम कश्मीरी, जो मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता है, उन दोनों के बीच फर्क है। आप दोनों को एक कटघरे में नहीं रख सकते, एक ही पैमाने पर नहीं तोल सकते। क्या न्यूज चैनल्स ने यह जहर फैलाया जिसके चलते यह हुआ? जब विंग कमांडर अभिनंदन जो हैं वो पाकिस्तानी कब्जे में आ जाता है, तो प्रधानमंत्री लंबे अरसे तक खामोश रहते हैं, लंबे अरसे तक खामोश रहते हैं। अभिनंदन से आज तक अभिनंदन से मोदी ने मुलाकात नहीं की। क्यों नहीं की मुलाकात, बताइए क्यों नहीं की मुलाकात? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिनंदन का पकड़ा जाना, आपका जो पूरा कार्यक्रम था युद्धोन्माद का, उस पर उसने पानी फेर दिया है? प्रधानमंत्री की खामोशी क्या कहती है? प्रधानमंत्री कहते भी हैं तो तमिलनाडु में कहते हैं, और यह कहते हैं कि साहब अभिनंदन तमिलनाडु का रहने वाला था। यानी कि आपने अभिनंदन का नाम लिया तब भी सियासत के लिए? क्या न्यूज चैनल्स ने यह मुद्दा आपके सामने उठाया? आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रुख में जो लगातार दबाव आ रहा है, कृषि मंत्री कोई और आंकड़ा देते हैं, बीजेपी अध्यक्ष कोई और आंकड़ा देते हैं, मगर हमारे एयर चीफ मार्शल धनोआ ने स्पष्ट कर दिया था कि आंकड़े देना मेरा काम नहीं है। जब सेना के 3 विंग्स ने साउथ ब्लॉक में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो इसमें भी उन्होंने कह दिया था कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, तो फिर अमित शाह यह आंकड़ा कहां से ला रहे हैं? क्या न्यूज चैनल्स ने सवाल किया? एयरफोर्स इज नॉट इन अ पोजिशन टू क्लैरिफाई दैट हाउ मेनी पीपल वर इनसाइड एट दैट। वी डोंट काउंट ह्यूमन कैजुअल्टीज, वी काउंट व्हाट टारगेट्स हैव वी हिट और नॉट हिट। दोस्तों अब मैं अपने विपक्ष के पास आना चाहूंगा, मगर विपक्ष में आने से पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा इस मां का बयान। ये मां जिसका बेटा पुलवामा में शहीद हो गया, ये मां कह रही है कि मुझे वो लाशें दिखाओ उन आतंकवादियों की, ये मां कह रही है कि मुझे लाशें दिखाओ तब जाके मेरे सीने में ठंडक आएगी। बेटा शहीद हुआ, बहुत माओ के लाल गए, बिल्कुल नहीं संतुष्टि, ना एक भी दिखाया गया, मरा हुआ खाली घरों पे ही छोड़ा गया। अब हम उनके मरने की ना तो डेड बॉडी कोई दिखाई गई, ना उनकी कोई खबर, बिल्कुल नहीं संतुष्टि। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या न्यूज चैनल्स इस मां के माथे पर गद्दार लिखकर दिखाने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि ये तो प्रमाण मांग रही है ना, क्योंकि ये तो सबूत मांग रही है, और जब विपक्ष सबूत मांगता है तो उन्हें देशद्रोही करार देते हैं न्यूज चैनल्स। तो जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि अब विपक्ष को भी बॉयकॉट करना चाहिए, विपक्ष से मेरी अपील है कि आप अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद कीजिए न्यूज चैनल्स में, क्योंकि आप इन डिबेट्स में जाकर, खासकर जो इंडिया गेट में होते हैं या खुले मंच पर होते हैं, आप वहां जाकर सिर्फ मोदी 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 करने वाले हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप। प्रमाण के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम रुख करते हैं अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बयान दिया जिसमें उन्होंने कुछ सवाल उठाए, चाहे इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर हो, चाहे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है।
अब इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की जियो टीवी ने खबर चलाई, मगर हमारे यहां कुछ न्यूज चैनल्स क्या कहने लगे कि अरविंद केजरीवाल को जरिया बनाकर पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा है। यानी कि एक चुनकर आए चीफ मिनिस्टर को ये न्यूज चैनल्स गद्दार बता रहे हैं। मोदी को भारत में भी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जंगी जुर्म में मुब्तला मोदी के इलेक्शन अहदाफ बेनकाब कर दिए। कहा 300 सीटों के लिए मोदी कितने फौजियों को मरवाओगे। केजरीवाल ने पूछा कि मोदी जी इलेक्शन जीतने के लिए तुम्हें कितनी लाशें चाहिए, कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे, कितने बच्चों को यतीम करोगे, कितनी औरतों को बेवा करोगे अपनी 300 सीटों के लिए। विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल करना, जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जैसे पत्रकारों का काम होता है इंटेलिजेंस फेलियर पर मोदी सरकार से सवाल करना, जो आप नहीं कर रहे हैं। और ऐसा ना करके आप गद्दारी कर रहे हैं इस देश के साथ, आप तौहीन कर रहे हैं मेरे सैनिकों की, मेरे शहीदों की। तो मेरी अपील आम आदमी पार्टी से कि आप अपने प्रवक्ताओं को न्यूज चैनल्स में क्यों भेजते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। दिग्विजय सिंह, इनके इस बयान पर इनकी खासी आलोचना हुई थी। कहा गया था कि आखिर दिग्विजय सिंह ने पुलवामा को दुर्घटना क्यों बता दिया। दोस्तों, दो तीन चीजों पर गौर कीजिए। पहली बात यह कि दिग्विजय सिंह के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो कांग्रेस के एक नेता हैं, मगर उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है पार्टी के अंदर। मतलब कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि कम से कम वो कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन ला सकें। मगर यही बात एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने कही थी, मीडिया उस पर खामोशी कर गया। केशव प्रसाद मौर्य कौन है ये, उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम। सुनिए किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि यह दुर्घटना थी। सुनिए। सुरक्षा में चूक नहीं, यह एक बड़ी दुर्घटना हमारे सेना सीआरपीएफ के जवानों के साथ घटी थी। अब मेरा सवाल कांग्रेस से कि आप आखिर क्यों न्यूज चैनल्स में अपने प्रवक्ताओं को भेजते हैं। अब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी और बीएसपी की। ये दोनों ही पार्टियां दोस्तों पिछड़ी जाति की से जुड़ी राजनीति करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे न्यूज चैनल्स में जो पूरा माहौल है ना दोस्तों, संपादकों से लेकर एंकर तक, ये तमाम लोग जो हैं फॉरवर्ड कास्ट हिंदूज हैं, मेरी तरह से शर्मा, चतुर्वेदी, सिंह, इस तरह के लोग हैं, ठीक है। लिहाजा उनकी सोच भी वैसी ही है। लिहाजा समाजवादी और बीएसपी जैसी पार्टियों के लिए उनके जहन में बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। यह मत सोचिए कि अगर पुलवामा की किसी बहस में आपको जगह मिल रही है तो आप कोई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे विपक्ष को इन डिबेट्स में जाना बंद करना होगा, क्योंकि इन डिबेट्स में टॉपिक ही कुछ इस तरह से किया जाता है, इसका शीर्षक ही कुछ इस तरह से बनाया जाता है जिसमें विपक्ष को लोग गाली ही देती हैं। दोस्तों, दुख की बात है कि पुलवामा के चक्कर में असल मुद्दों से मीडिया जो है वो भटका रहा है। और जब मैं पुलवामा कह रहा हूं तो मेरा मतलब सिर्फ पुलवामा नहीं है, बल्कि पुलवामा की आड़ में भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करना। जैसे मैंने कहा, पुलवामा से जुड़े असल मुद्दों को कोई नहीं उठा रहा है। शहादत क्यों हुई, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, आखिर सियासत क्यों कर रही है बीजेपी। मगर जो असल मुद्दे हैं, जो न्यूज क्लिक में हम अपनी जिम्मेदारी समझ के आप तक पहुंचाते रहे हैं, मसलन किसानों का मुद्दा। जब किसान चलकर आया था दिल्ली, तब उसकी सुध किसी मीडिया वाले ने नहीं ली थी, गिने चुने लोगों को छोड़कर। मगर हम गन्ना किसानों तक पहुंचे, हम पहुंचे आलू किसानों तक, और उसके आक्रोश को हमने आप तक पहुंचाया। सुनिए। ये पेड़ खड़े हो जहाँ पे, पेड़ पे फांसी लगानी पड़ेगी। ये इतना बुरा आलू का हिसाब है। किस तरह से सड़ रहे हैं आप। किसान का तो एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। ना कोई पत्रकार आता है, ना कोई मीडिया वाला आता है। विधायक पूरन प्रकाश भी बीजेपी का, सांसद भी है हेमा मालिन का, या कोई भी आज तक नहीं आया बीजेपी का। भाजपा को वोट नहीं मिलने का।
भाजपा को कार्यकर्ताओं की किसी नेता नहीं बनेंगे यहाँ इलाके में भी। हम इस बीजेपी को यहाँ घुसने नहीं देंगे। 3 मिनट कुए में बैठे ऊपर मोदी बीच में योगी तड़क ऑस्कर हमारे दे हमारे सिर पर टैं टैं कर रहे लेना देना। और दुख की बात यह है दोस्तों कि जब इस देश का युवा नौकरी को लेकर सवाल पूछता है, जब इस देश का युवा शिक्षा को लेकर सवाल पूछता है तो उसको जलील किया जाता है। इसी हफ्ते रिपोर्ट आई कि किस तरह से बेरोजगारी दर जो है उसमें 5.9% से 7.2% की बढ़ोतरी हो गई, मगर इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। इसको लेकर सरकार को कटघरे में नहीं किया जा रहा है। देश से जुड़े चाहे किसान हो युवा हो उस मुद्दे को उठाया नहीं जा रहा है। अब आप देखिए जिस तरह से एक टीवी डिबेट के अंदर, एक स्थानीय चैनल में एक टीवी डिबेट के अंदर जब इस युवा ने यह मुद्दा उठाया तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे बुरी तरह से पीटा। पानी कुछ यहाँ के जो पुराने मुद्दे हैं उनमें विकास आया है, कुछ बदलाव आया है। मुझे भाजपा सरकार के आने से पहले यहाँ पे सबसे पहली बात तो गुंडागर्दी बहुत थी, चोरी चपटी, अरे मारपीट को कर। क्यों पीटा गया इसे दोस्तों? पीटा इसलिए गया दोस्तों क्योंकि पहली बात भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह अपने गुर्गे छोड़े हुए हैं। जब भी कोई असल मुद्दा उठाता है तो उसे इसी तरह से दबाया जाता है और माहौल इस तरह से बना दिया गया है कि कोई भी सवाल कर रहा है मोदी सरकार से, चाहे इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर, चाहे जॉब को लेकर, तो आप उसे जलील कीजिए, आप उसे जो है टारगेट कीजिए। और यह मत सोचिए दोस्तों कि न्यूज चैनल्स पर को बॉयकॉट करने की अपील सिर्फ मैं कर रहा हूं। वो तमाम पत्रकार आज की तारीख में जो इस सरकार से तीखे सवाल करते हैं वो भी आपसे ये अपील कर रहे हैं, सुनिए। तो पूछने की उनमें हिम्मत नहीं है तो वो क्या करता है कि ध्यान ना जाए कि ये सरकार से पूछना हमारा काम है, तो आपके ही बीच कह रहा है कि आप इनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं, ये एंटी नेशनल है। अब वही 4 लोग एंटी नेशनल इनको मिले इतने बड़े देश में, 4 एंकर और 1 वकील। अब उनसे बोर हो गए तो 1 तेंदुलकर गावस्कर को खोज के ले आए, जिस गावस्कर और तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट के जरिए हमको अपने इंडियननेस में, हिंदुस्तानियत पे गर्व करना सिखाया, अपने हुनर को साधना सिखाया कि हम भी जीत सकते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम को हटा सकते हैं, उस गावस्कर से भी आप पूछ सकते हैं। यही आपके सामने हुआ, यही इस मीडिया ने किया। तभी मैं कहता हूँ मेरा बस चलता तो मैं देश के हर आदमी से कह आता कि तुम इस 2.5 महीने के लिए टेलीविजन चैनल मत देखो, इसने तुम्हारे मुल्क की बर्बादी का ठेका लिया हुआ है। टेलीविजन देखना बंद कर दीजिए, खास तौर से न्यूज़ चैनल तो बिल्कुल ना देखिए। मौजूदा वक्त का एक सच यह भी है कि एंटरटेनमेंट भी अब उस खुले सोच के साथ नहीं हो पा रहा है, या बॉलीवुड भी उस खुली सोच के साथ फिल्में नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उसको भी एक भय रहता है कि कहीं अगर संकेत की भाषा में भी कोई ऐसा बिंब हम स्क्रीन पर ले आए जो कहीं आहत हो जाए, कोई सत्ता अगर आहत हो जाए, कोई सत्ताधारी अगर आहत हो जाए, तो फिर उसके बाद बैन लग जाएगा, रुक जाएंगे, पैसा इतना खर्च हुआ नहीं चलेगा, या फिर सीधे आपको ऊपर गाली गलौज शुरू हो जाएगा। बड़ी मेहनत होती है, लोग गाली दे रहे हैं, एक आईटी सेल काम कर रहा है जिसका काम ही है कि उसके पास कितनी गंदी गंदी गालियाँ हैं। जी हाँ, अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं तो सही मायने में गद्दारी आप कर रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि आप मेरी इस आवाज को हर कोने, हर गली तक पहुंचाएं, क्योंकि आज मैंने बाकायदा प्रमाण के साथ यह साबित किया है कि क्यों न्यूज चैनल्स देखना आपके लिए घातक है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।